आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एम जी पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर। यह आपका लेक्चर 2.4 का कंटिन्यूड वर्जन है जो लेक्चर 2.5 बना दिया गया है। फाइन, तो 2.4 वाले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। हमने कुछ ऐसा फिगर बना लिया था, तैयार कर लिया था, ठीक है। इसके जो कॉर्नर्स हैं, एक ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, इसके कॉर्नर्स हमने रीनेम कर दिए हैं यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना। इससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, जहाँ पर आप देखेंगे कि यू एक्स जो है वो एक एफ वन फोर्स है, ये एफ टू फोर्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है एंगल थीटा बनाते हुए। आपको एफ वन और एफ टू का मान निकालना है, ठीक है। एफ वन आपको अभी पता नहीं है और एफ टू भी अभी आपको पता नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए, इस पूरे रेक्टेंगल में एक ट्राइंगल भी बन रहा है, एक ट्राइंगल भी बन रहा है। अगर आप ट्राइंगल देखें यू डब्ल्यू एक्स को, ट्राइंगल यू डब्ल्यू एक्स, यू डब्ल्यू एक्स में जो एंगल यू है वो है एंगल थीटा, थीटा के बराबर है, फाइन। और जो एंगल एक्स है ये है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आपको देखने से ये लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री पर है, ये एंगल थीटा है, तो यानी यू डब्ल्यू एक्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोण क्या है, 90 कोण पर स्थितिज है, ठीक है। आपको इस बारे में अब हम बताते चलें कि इस ट्राइंगल में यानी इन ट्राइंगल यू डब्ल्यू एक्स, यू एक्स क्या है, बेस है। यू एक्स क्या है, बेस है, और यही एफ वन के ही बराबर है। एफ वन भी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, यू एक्स के डायरेक्शन में, यही एफ वन है। एफ टू जो है कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, यू वी के डायरेक्शन में, यू वी के डायरेक्शन में, ठीक है, यू वी के डायरेक्शन में। यानी कि यू वी हो चाहे डब्ल्यू एक्स हो, ये और ये लंबाई भी बराबर है ना। और ये क्या है आपका, ठीक है बच्चों। तो ये एफ टू जो था वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, यू वी के डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक पूरा रेक्टेंगल है, राइट एंगल रेक्टेंगल है, तो यू वी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। तो यही लिख दिया हमने, एफ टू बराबर यू वी बराबर एक्स डब्ल्यू एक्स, जो कि यू डब्ल्यू एक्स में डब्ल्यू एक्स क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। वहीं पर आपका जो है रिजल्टेंट आएगा, कौन सी डायरेक्शन का है रिजल्टेंट, देखिए यू डब्ल्यू का, यू डब्ल्यू का, और यही क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको F1 निकालना है, F1 निकालना यानी कि बेस को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लेंगे, अगर आप मान लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कौन सी आइडेंटिटी होती है, क्या रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस यहां पर क्या है, F1 है, Ux है, यही बराबर क्या है, F1 के। तो चाहे Ux लिखिए चाहे F1 लिखिए, ठीक है। तो अभी हमने समझने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे Ux की जगह F1 ही नोट कर रहे हैं, ठीक है। बेस में क्या है आपका, F1 है, और हाइपोटेन्यूस में क्या है, R। यानी और साफ से देखेंगे तो cos थीटा बराबर में आता है F1 अपॉन R, ठीक है बच्चों। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो यह हो जाएगा आपका R cos थीटा इक्वल्स F1, R cos थीटा इक्वल्स F1, यानी F1 का मान आपका किसके बराबर आ गया, R cos थीटा का। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं F1 इक्वल्स R cos थीटा। अब आपको निकालना है F2 के वैल्यू, है ना।
F2 की वैल्यू, इसका मतलब कि आप चाहे UV निकाल लीजिए चाहे WX निकाल लीजिए, ठीक है ना। जैसे F2 बराबर UV है, F2 बराबर UV है, क्योंकि UV जो है WX के बराबर है, तो चाहे आप UV निकालिए चाहे WX निकालिए तो वो किसके बराबर माना जाएगा, F2 के, ठीक है। और अगर आप इन ट्राइंगल देखेंगे, अगर आप साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर में क्या है, WX या UV या F2, आपको F2 तो निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका F2 अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या है हाइपोटेन्यूस, देख लीजिए UW है, UW यानी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, R के डायरेक्शन में, और इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा R साइन थीटा बराबर में है F2 के, यानी यहाँ से आपकी F2 की वैल्यू भी निकल के आ गई, वो क्या है, R साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये था दो फोर्सेस जो किसी रिजल्टेंट के अंश होते हैं उसकी वैल्यू निकालने का तरीका, क्या तरीका कहलाता है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि यदि कोई भी बल, एक ब्लॉक है ABCD ब्लॉक है, इस पे दो फोर्सेस F1 और F2 ऊपर और दाईं साइड में लग रहे हैं, तो ना ये बॉडी F1 डायरेक्शन में जाएगी ना F2 डायरेक्शन में जाएगी, ये किस डायरेक्शन में जाएगी, जो F1 और F2 को कंटेन किया होगा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इतने पार्ट को ही आपने जूम इन करके यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ F1 जा रहा है, ये F1 जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में, ऊपर साइड में जा रहा है F2, ये आपका डायरेक्शन आ गया, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट इनके बीचों बीच से होके जा रहा है, तो रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन आ गया। इससे आपने एक लंबवत लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद आपने एक नया रेक्टेंगल तैयार कर लिया, इसका नाम दे दिया UVWX। रेक्टेंगल है इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे इसके, यानी UV बराबर WX हो जाएगा, यानी जब UV F2 है तो WX भी क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन ट्राइंगल UWX देखेंगे, यानी UWX देखेंगे, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा जिसमें कि ये एंगल 90 है और ये एंगल थीटा है। उसके बाद ये जो डायरेक्शन है यानी UX का, यही आपका F1 पे लग रहा है, F1 डायरेक्शन UX डायरेक्शन में लग रहा है, यानी यही बेस है। ठीक है, सेम वे WX जो है वो ही UV के बराबर है, और यही क्या है, F2 के बराबर है, और ये आपका ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और जो एक साइड बच गई है यानी UV डायरेक्शन में जो फोर्स R लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। अब आपको ये देखना है कि F1 और F2 निकालने के लिए आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेते हैं। सपोज आपने कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो बेस आपका क्या था, F1 था, F1 लगा दिया, हाइपोटेन्यूस पे क्या था, R, हाइपोटेन्यूस पे R था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है कॉस थीटा इक्वल्स टू F1 अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे F1 इक्वल्स टू R कॉस थीटा हो जाता है, यानी यहाँ से आपने F1 की वैल्यू ज्ञात कर ली, R कॉस थीटा। दूसरा आपने ट्राइंगुलर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लिया, ये था साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर में क्या आता है बच्चों, देखो F2 है तो F2 यहाँ पे आपने पुट कर दिया, हाइपोटेन्यूस क्या था आपका R यहाँ पुट कर दिया, साइन थीटा का मान बराबर आ जाएगा F2 अपॉन R, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने F2 की वैल्यू निकाल ली, R साइन थीटा। यहाँ से आपको ये दोनों अननोन फोर्सेस पता चल गए, ठीक है। यानी इसको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझना है कि अगर मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट R, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो वर्टिकल जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो जो भी लाइन थीटा से जुड़ी हुई रहती है वो उसका R cos थीटा कहलाती है, और ये
जो लंबवत है वो आर साइन थीटा। बातें समझ में आ रही है? यानी जो भी लाइन थीटा से जुड़ी हुई होगी वो कॉस थीटा में चली जाएगी, और जो उसके विपरीत दिशा में जाएगा वो क्या कहलाएगा? आर साइन थीटा कहलाएगा। तो बच्चों ये था रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसका एक और क्लास हम जब आपका कंसिडर करेंगे 2.6 वाले लेक्चर में, जब हम आप इसका न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका हम एक PDF भी तैयार कर रहे हैं, एक दो दिन में आपके WhatsApp ग्रुप में भी पहुंच जाएगा। उसके ताल्लुक से, चाहे आपके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के ताल्लुक से कोई भी अगर परेशानी आती है तो आप बेझिझक WhatsApp पर आप मुझसे वार्ता कर सकते हैं, कोई अपनी समस्या हो तो उसको रख सकते हैं, जल्द अज जल्द आपके परेशानियों को दूर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग घर पर पढ़ाई करते होंगे, तो मेरा यही सजेशन है कि आप बिल्कुल घर पे ही रहें, और जब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाती है कॉलेज आने की, तब तक आप घर पे ही पढ़ाई करते रहें और सुचारू रूप से भी अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।